साल का हो गया। कितना? छः कम चालीस और मैं पांच कम सात पचास कम पंद्रह सात पचास कम पंद्रह बकवास कर रहा है गाइस, ये मेरे से है बड़ा 3 साल है। नहीं तो मेरे से 3 साल बड़ा। रात को ही हुआ हूँ। बकवास, 3 साल बड़ा है ये मेरे से। मैंने बोला था शादी में कि लड़का ज्यादा बड़ा है, सोच लो एक बारी और, पर हमारी मम्मी मानी नहीं और देखो आज मुझे क्या दिन देखना पड़ रहा है। दिन मां दिखाऊंगा। ये बात है थी तेरा बर्थडे गिफ्ट। आया मुझे सुन के। ये सेवा इसकी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आज इसका बर्थडे है। पर क्यों करती है? नहीं होनी चाहिए ना। चलो ईशान जल्दी से। अच्छे लगते हो तुम, काम करते हो पता है तुम्हें। और बर्थडे वाले दिन जो करोगे वो तुम पूरे साल करोगे, ऐसा होता है ये तुम्हें पता है? जवाब दे। क्या नहीं ऐसा होता है? नहीं पता? ऐसा होता है, जो तुम आज करोगे वो तुम्हें पूरे साल करना पड़ेगा, जैसे सेवा पानी। मैंने इससे पूछा कि क्या लेगा बर्थडे गिफ्ट, तो ये कह रहा है कि बस तेरा प्यार मेरे लिए बहुत है, गिफ्ट मुझे कोई नहीं चाहिए। ये जैसे ही अभी हुआ है ना 38 साल का, तो इसमें थोड़ी सी बुद्धि आ गई है। पहले तो गिफ्ट 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 लगी रहती थी इसे। इस बार इसने पहली बार बोला है ये कि मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट और बस ठीक है सब है मेरे पास। इतना समझदार भगवान तुझे रखे इस पूरे साल। ओके देख महीना। बदतमीज लड़का। ईशान समझदार हो गया है। अच्छी बात है। पागल कब था? कैमरा देख के बदल जाती है मम्मी। बर्थडे कौन विश करेगा फूफा को? अबे बर्थडे विश तो कर, तूने तो हक करा है बस। ओरियो लेने आया था तू? बर्थडे गिफ्ट देवा कोई उल्टा। तूने पुच्ची भी नहीं करी? पुच्ची करी तूने? तो कौन करेगा? गुड। अच्छा फूफा कह रहे हैं फूफा को गिफ्ट नहीं चाहिए कोई भी। ओके मत दियो। हाँ पूछा मैंने ना कोई बर्थडे गिफ्ट चाहिए, कहते कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अकल आ गई है मेरे में, पैसों के पीछे नहीं भागता मैं, चीज जी नहीं चाहिए, तुम सबका प्यार काफी है मेरे लिए। मुझे तो पैसा नहीं, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। अंडे की लगा दूं तेरी रेडी? क्या अंडे की लगा दूं तेरी रेडी? क्यों सुनाने अपने गाने में? ये अपने आप अंडे की पैसे की लगाऊं डेरी मैं अंडे की रेडी तो उसमें भी खुद ही खा रहा होगा ये अंडे, कोई और कस्टमर नहीं आने दे। अंडे के पराठा जब मैं बनाऊंगी उसके 60 रुपए। हाँ कम है, ऐसे सस्ते कस्टमर ही आएंगे अंडे खाने। जीजू बोले कि 60 तो बहुत महंगे हैं, नहीं खाने हैं। चलो ठीक है फिर, तू मेरी मदद करियो पराठे बनवाने में। लेकिन देवा मॉल में नहीं आ रहे, रेडी में खड़े हो। अंडे के पराठे खाएगा? अंडे के पराठे कम्मो मारेगी तेरे घर से निकाला हो जाएगा। निकाला देश निकाला हो जाए। देश निकाला नहीं, घर निकाला जरूर हो जाएगा। तू खाएगी अंडे के पराठे? मैं अरे मेरी रेडी लगेगी जब अंडे के पराठे के। फर्स्ट कस्टमर तू। सारा भी नहीं ना पैसों में ठप, सारा ठप यार।
हाँ मी दे बताओ दाखा ये क्या चल रहा है एनिमल अब्यूज कर रहे हो तुम गलत ओ माय गॉड ही इज सो चीप ये तुम क्या कर रहे हो कहाँ गई तुम्हारी ह्यूमैनिटी मार रहे हो तुम मेरी बच्ची को दिखाने पे ईशान मान जाना जल्दी बता हेयर कट कराएगा तो मॉल जाएंगे हाँ आज ही क्यों टाइम वेस्ट होगा अच्छा कल करा लोगे कल मंगल है परसों आएंगे अब तूने मंगल डाल दिया ये भी तो ऐसी है ना हुँ? कल मंगल है कल क्योंकि तू कल करवाएगा नहीं फिर तू चलाक बनेगा मम्मी आज या कल अरे फूकने नहीं है कटवाने हैं छोटे करने हैं छोटे कब से यार छोटे बाल करवाने हैं तो सारे लड़कियां जिनके लाल बाल है सुन लो मेरी मम्मी के लिए तुम सब फुकरी ये मैंने कब बोला जो टाट में से अंदर तक खून निकल रहा है अरे मैंने नहीं बोला ये झूठ बता रहे शांत तेरे को बदतमी अरे मैंने बोला ही नहीं यार जाड़ा चढ़ रहा है हमें कम्मो जाड़ा चढ़ रहा है जाड़ा चढ़ रहा है आंधी आ रही है मैं आ रहा हूं आप एक बात बताओ कपड़े सुखा रहे हो अपने पहने कपड़े झाड़ रहे हो हम क्या करें हैं शकल पे 12 बज रहे हैं क्यों बाय 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 की बात है तेरी बाय बाय देख लो तुम्हारी बहन क्या कर रही है मम्मी ये हैं कह रही बहन तो उठपटांग काम करती है बहन सब ज्यादा करती है बेकार काम मैं अच्छा गुड बदतमीज एक नंबर क्योंकि है ही बदतमीज जो रहेगी बदतमीज आ रही हूं मम्मी चल बाय जा रहे आज हैं क्या हम यार सुन अपनी नाक के बाल तो साफ कर लेता तो मैं बगल के बाल साफ कर ले तेरे को बोल रहा था बगल वाली बात के लिए सही से ऐसे बोलता है जब इसकी हम बैटरी ऑन करते हैं बोल कौन सा केक है वाओ बढ़िया बढ़िया दुकानें हैं मैं इसे कह रही हूँ तो यही से कपड़े ले ले अपने बोलते के बढ़िया रहेगा ये देखो इन कपड़ों में क्या बुराई है वाओ अबे खूब खींच रहे हैं तो इसमें कोई बुराई है बताओ
हाँ देखो की लवली, पर ये मान नहीं रहा है, ये कह रहा है कहाँ जाएगा, डीएलएफ जाएंगे भाई साहब, माया साड़ी। हाँ माया साड़ी, ये माया जाल में फंसाती है वाली साड़ियाँ, पता है तेरे को, बताओ गाइस इतने सारे पैसे लुटा के इस इंसान को क्या मिलेगा, इससे अच्छा किसी लड़के काम में लगा दे, पर नहीं, डीएलएफ जाना है, कपड़े लेने हैं, शौक देख लो, लेगा डीएलएफ से या यहीं से, यहाँ बढ़िया मिले, यहाँ मिल तो रहे बढ़िया बढ़िया, तो लेने को हाँ तो बोल, ये जो झाड़ू भी मिल रही है, अगर नहीं नहीं माना तो इसी से पिटेगा। आहा, मम्मी ने बनाए हैं लजीज बथुआ के पराठे और रायता। और उसमें मेरा पूरा इसने खून तो फूंक ही दिया, और उसके बाद मेरे पैरों में दर्द करा दिया, देखो जूते हाथ में लेके चलने पड़ रहे हैं, मैं चल रही ऐसे, बहुत गलत आदमी है यार ये। ईशान शर्म आई थोड़ी तुम्हें, हाँ शर्म आई तुम्हें, नहीं क्योंकि प्रेशर है ना, अब ये मेरे को खिलाएगा किंग्स रोल, है पता है ना खिलाना है मुझे किंग्स रोल, गुड रुक जा, इसको बंद कर दूँ ना ये, अरे ये वाले शान नहीं लग रहा, मैं मेरे को बस उतरने को ही मन कर रहा क्योंकि वो एक टास्क हो जाएगा, हाय थक गए मर गए, घर चल रहे हैं कैसे, नहीं अभी रोल खिलाएगा फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है, जगतपुर फिर जगतपुर, बस अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, नहीं है इसको किसी से कोई फर्क पड़ता, राइम नहीं किया पर ये सच है, बैलेंस फेयर 70 सब 100 ही देते होंगे इसलिए उन्होंने कर रखा है 70, मंडे टू थर्सडे है यहाँ आए थे हम और भैया बहुत अत महंगा कर रखा है इन्होंने, 15,000 की एक जैकेट पसंद आई, हमने 15,000 की बहुत सारी जैकेट, हाँ सही बात, फिर हमने 15,000 की बहुत सारी जैकेट ले ली, बहुत बढ़िया बना डेकोरेशन हो रखी है गुरुद्वारे की, बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने नहीं करे दर्शन गुरुद्वारे में जाके आज के दिन कर लीजिए, शान यही तो था किंग्स रोल, बंद पड़ा यार यहाँ तो सब कुछ, मैटरी खत्म गाइस, तो आज का दिन ओवरऑल रहा बहुत ही ज्यादा बढ़िया, पर मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था कि ये मेरा खर्चा कराएगा उतना इसने कराया नहीं, बाकी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि इसने मेरा कितना खर्चा कराया और क्या क्या लिया, ओके आ गया रोल लेके, अभी दिखाती हूँ उसको, ta-da!
इतना बड़ा रोल तेरा कौन सा है ये बता पहले। ओह माय गॉड ये झूठ बोल रहा है, वैसे गंगा जी ना आ रहा है तो इसलिए ये खा रहा है पनीर। ब्राह्मण मुर्गी थी। बकवास पनीर रोल खाओ कहा बन क्यों रहा है मैं कह रहा मैं अभी अच्छा है हाँ के बात करते हैं। हम आ गए लक्ष्मी नगर डोमिनोज पिज्जा पे क्योंकि मेरी पीकाबू को खाने का बड़ा मन था। आज से अब हमने लिया है पीकाबू के लिए पिज्जा और अब फिर हम जाएंगे जगतपुर। यहाँ से हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए और मम्मी का आ रहा है मुझे पीछे से कॉल। तो गाइज मैं आपसे करती हूँ थोड़ी देर बाद वार्तालाप। यहाँ से क्या मैंने अपनी पीकाबू के लिए डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर, अब वो मस्त खाएगी और इतने वो ख़त्म करेगी। इतने हम पहुँच चुके होंगे जगतपुर, अब हम निकल रहे हैं। इसके बाद हमारा पूरा दिन हो गया समाप्त, अब जगतपुर पहुँच के मैं आपको बताऊँगी। बाय। डोमिनोज फाइन पिज्जा हूँ, क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? ये रही हमारी मम्मी और अब हम जा रहे हैं घर। कल से मैंने अब लिए रात की सांस और अब मैं अपनी रजाई में मस्त बैठ गई हूँ। हम आ गए घर परेशान, तुम करा ना परेशान यार प्लीज। कभी जिंदगी में सच बोल लिया कर, करानी तू ना पूरा दिन मेरे को दुखी। वॉक कराई वॉक वॉक कराई है यार। एक तो हम थे मम्मी के घर पे, अब क्या हुआ कि मेरे पास फुटवेयर भी नहीं थे तो मैंने दीपिका के पहने वो एक साइज छोटे, तो DLF में पूरा वॉक करा रहा था मेरे को, तो बताओ कितना मेरे पैर में दर्द हुआ होगा। लेकिन इस इंसान को समझ आता नहीं है, पर लेकिन अब इसका बर्थडे हो गया खत्म तो मैं इससे बदला ले सकती हूँ हर एक चीज का। आप देखना चाहेंगे कैसे। बोल करेगा परेशान है? सॉरी बोल, सॉरी बोल, माफी मैंने मांगी है, माफी तूने मांगी है, सॉरी बोल तो मैंने बस वर्ड बोला। ज्यादा चंट मत बन, मैं जितने अपने हाथ रोकती हूँ ना मीटू ना दे रहा उतना मन करता पिटने का। बाय बोल सबको। Bye guys. Bye guys.